और तीन और छः एक सेवन क्लास में पढ़ता है सर बच्चा। अच्छा बच्चा सब खुश है? खुश है सर। आप पूरा ध्यान रख रही हो ना? ध्यान रख रही हूँ सर। बहुत अच्छा अच्छा काम कर रही हो आप, बच्चों का भविष्य बना रही हो और पूरा ध्यान। तीनों बच्चों के पालनहार मन पे है सर। आप क्या महसूस करती हो, क्या ये जो स्कीम सरकार की है इसके बारे में आपकी क्या क्या सोच है आपकी? बहुत सारा मन है आपको हम बता मेरे को सर। पहले 1000 रुपए मिलती थी सर, आप 1500 रुपए हो गए हर महीने के बच्चे को। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप ध्यान रखिएगा बच्चों का और ये भी ध्यान रखें कोई आपके आस पड़ोस के अंदर कोई लगता हो आपको। सर पहले तो पेंसिल मिलती है सर, पहले 500 रुपये पेंसिल मिलती थी सर, अब 1000 रुपये हो गई है। हाँ अब 1000 हो गई है, आगे भी ध्यान रखिएगा, आप चिंता नहीं करें। अभी आपका 2 महीने का जो हुआ है जून की रेट अलग थी पहले, जिसमें आपको जो पैसा मिला अभी मिलेगा तो पहले जो था उसमें बढ़ोतरी हुई इस बार। ये पहले जो था 750 था, पहले 500 था, 500 साढ़े 700 हो गया है। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका। अब फलोदी जोधपुर जिला, जोधपुर जिला बन गया भाई। सरोजी जिला नमस्कार मुख्यमंत्री महोदय जी। नमस्कार मुख्यमंत्री महोदय जी। नमस्कार, आप बताइए पारस भील और पुनीत भील ठीक है? हाँ ठीक है सर जी। ध्यान रख रहे हैं आप उनका? हाँ ध्यान रख रही हूँ सर जी। क्या लगती है आप उनके? ध्यान तो आप रखते हो, जो आपने पालनहार से जोड़ा इनके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये बताओ प्रेमचरण जी आपके बच्चे क्या लगते हैं? सर जी मेरा बड़ा बच्चा है जो 11th में पढ़ता है, छोटे वाला है वो 9th में पढ़ता है। और मुझे पालनहार का लाभ मिल रहा है, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आगे भी आप ऐसी मुहिम चलाते रहना। और कोई आपको सुझाव है आपको स्कीम के बारे में? पहले टाइटल मिलता था आपको? हाँ पहले मिलता था और अब जो राशि आपने बढ़ाई है वो अब मिलनी शुरू हो गई है, उनके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो पहले राशि मिलती थी अब आपने जो बढ़ाई राशि वो मिल गई, उनके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके खाते में आ गई है? आपको टेलीफोन है अभी आपके पास में? जी सर आ गई है। पैसे पहुंच गया आपके पास? हाँ मैसेज भी आ गया है। आ गया, वेरी गुड। चलो बधाई आपको भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मंजू जी मंजू, हेलो सर नमस्ते। मंजू जी बताइए क्या हाल आपके? हाँ मुख्यमंत्री महोदय जी नमस्ते। ये बता भैया क्या क्या है? नया बोली बेटी है मेरी। ये नया बीवी बनी है क्या? हाँ साथ में है। हेलो सर नमस्ते। ये बेटे क्या करते हो? मैं हाँ जेई की तैयारी कर रही हूँ। मैं जेई की तैयारी कर रही हूँ, मैंने 12th पास की है अभी। वेरी गुड वेरी गुड। इंजीनियर बनना आपको? हाँ। तो हमारी बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। बड़े जल्दी करें, ढंगे बड़े करें। समय पर कदम भेजा था आपने? हाँ। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, आप मिलिए आपको कंटिन्यू हो गया? हाँ। समय पर मिले आ गया? आते हैं पैसे 500 रुपये मिलते हैं, 1000 हो गए। चलो धन्यवाद आपका। नमस्ते। हेलो सर नमस्ते। हेलो बोल रही है? बोलो हेलो। हाँ सर नमस्ते। नमस्ते, कैसा लग रहा आपको? ठीक है? हाँ सर बहुत अच्छा लगा। आप शिवांगी सोनी, प्रियंका सोनी, चंचल सोनी तीन है आपके वहाँ पर? हाँ सर। और तीनों का पैसे आ गया आपके खाते में? हाँ सर आ गया सर। देख लिया आपने? देख लिया सर। 2 महीने का?
बच्चा है, कोई सुझाव देना आपको कोई? हाँ सर, ये सुझाव देकर आपने बहुत लोगों की मदद की है और हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप सबकी मदद करें और आपका बहुत बहुत आभार। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सब हमेशा स्वस्थ रहे और दीर्घायु हो। हाँ तो आपको देखो आज कितना गया, आपको आज जो है नई पेंशन लागू हुई है उसके 1500 रुपए प्रति शिवांगी, प्रियंका सोनी और चंद्र सोनी को है। हाँ सर, ये हो गया। हाँ सर, और पहले वाले एक जून का जो मिला आपको वो मिला है 3000 रुपए। अच्छा, तीन और साढ़े चार, 7500 रुपए मिल गया आज आपको, ठीक है? हाँ सर, वेरी गुड। बच्चों को पूरा ख्याल रखना भाई, ठीक है? धन्यवाद सर, नमस्कार। हनुमानगढ़ श्री ज्योति गिरधर। हाँ जी सर, नमस्ते सर। जी ज्योति जी बताइए, आयुषी की क्या हाल है? सर पास में ही बैठी है, आप ही पूछ लीजिए सर। नहीं बैठी है? ओह वेरी गुड। नमस्ते सर। कौन सी क्लास पढ़ती बेटे? 8th क्लास में। 8th पढ़ती हो? यस सर। क्या बने, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, कलेक्टर बनेगी, क्या बनेगी? IAS ऑफिसर। IAS, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो सब खुश हो गए हमारे यहाँ बैठे बैठे, आप जमके पड़े क्या बेटे, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ में है। थैंक यू सर। ये भी आए मंदिर को दीदी फोन दे वापस दे। मीना जी का हाँ बताओ, ज्योति बताओ। हाँ जी सर, और कुछ सुना आपका? सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो अपने बच्चों को पाल ही रहे हैं लेकिन आप पूरे प्रदेश के बच्चों के पालनहार हैं इस वक्त, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा ये बताओ कि ये बच्ची क्या लगती है आपके? हाँ जी सर, ये बच्ची क्या रिलेटिव क्या रिलेशन लगती है? ये बेटी है सर मेरी और IAS ऑफिसर बनना चाहती है, बाकी उसकी पढ़ाई कर रही है। ठीक है, जो है कोचिंग में जो पैसा अफोर्ड कर सकते हैं हर एक व्यक्ति कर नहीं सकता, उनके लिए हमने इंतजाम किया, 30,000 बच्चों को सरकार कोचिंग करवाती है। हाँ जी सर, उसका लाभ इसको मिल सकता है। ठीक है, 500 बच्चों को भेज रहे हैं, विदेश भेजते हैं 500 बच्चों को राजस्थान में। जी सर, अगर ये कलेक्टर बनना चाहती है और इनको मान लो अवसर मिलता है दुनिया में पढ़ने का किसी मुल्क में, तो वहाँ भी जाने के चांसेस इसके हैं। हाँ जी सर, हम प्रदेशवासी सुन रहे हैं हमारी बात को, तो मैं कहना चाहूँगा प्रदेशवासियों को कि 500 बच्चों को भेजे विदेश में, कैनेडा बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते जाना, उसका खर्चा सरकार दे रही है, और 30,000 बच्चों को कोचिंग करवा रही है। इन सब स्कीमों की जानकारी प्रदेशवासी होनी चाहिए। जी सर, ये जानकारी है। अच्छा जी, अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे, धन्यवाद। रुकमा रुकमा जी, घबराओ मत, ये बताओ इरफान कादर कैसे हैं? इरफान कौन है? इरफान बैठी है क्या? माइक बंद है आपका, आवाज नहीं आ रही है? आ रही है ना सर, आवाज है। इरफान ठीक है? इरफान घर पे? कोई बात नहीं। तो पढ़ती है अभी? हाँ स्कूल में पढ़ती है। कौन सी क्लास में? अभी 12वीं में गया सर। अच्छा 12वीं में है, चलो उसका पूरा ध्यान रखना आप। जी सर। कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं। पैसा पहुँच गया अभी आज आपको जो दिया अभी? जी सर। आपने देख लिया अपने मोबाइल पे? जी सर। मैसेज? हाँ। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, धन्यवाद, अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। हेलो, हेमनता शर्मा ये है? हेलो, हाँ बोलो हेमनता जी। जी सर नमस्ते, मैं सवाई माधोपुर से बोल रही हूँ। रुकमा रुकमा जी, घबराओ मत, ये बताओ इरफान कादर कैसे हैं?
इरफान कौन है? पढ़ती है भाई? हाँ स्कूल में पढ़ती है। कौन सी क्लास में? अभी क्या 12वीं में गया सर। अच्छा 12वीं में है, चलो उसका पूरा ध्यान रखना आप। जी सर। कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं। डेटा फोन का भी आज आपको जो दिया अभी? जी सर। आपने देख लिया अपने मोबाइल पे? जी सर। मैसेज? हाँ। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। धन्यवाद, अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। हेलो, हेमलता शर्मा जी है? हेलो, हाँ बोलो हेमलता जी। जी सर नमस्ते, मैं सवाई माधोपुर से बोल रही हूँ। क्या है आपका? जी नहीं, आप जो भी योजना चलाते हैं उससे बहुत सारी मदद मिलती है कि बच्चे पढ़ लिख जाएं, पैरों पर खड़े हो जाएं, कुछ देश के लिए कुछ करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे का बीमा मिल गया आपको? हाँ जी, हाँ जी। कितने कार्ड मिले आपको बताओ? जी दो है? दो दो नहीं, ग्यारह मिले होंगे ना आपको, तो तीन तो बता दिया आपने खुद ने ही। जी सर चार मिले। चार मिले थी, कोई बात नहीं। तो आपके जो ये हेमलता जी, ये कौशल शर्मा, गगनदेव शर्मा दो है ना? हाँ जी बच्चे। क्या बैठे हैं बैठने तुम्हारे? नहीं नहीं स्कूल गए हैं बच्चे। स्कूल गए हैं, कोई बात नहीं। हाँ। बात नहीं, ठीक है। अरे शारदा केडिया, हेलो, बताओ। बोलो। नमस्कार। बताओ शारदा जी, समीक्षा केडिया, अनुजी केडिया ठीक है? हाँ ठीक है, आप बात कर लीजिए। ओह वेरी गुड, बच्चे बैठे हैं। हेलो सर, क्या नाम है? आरुषि केडिया। आरुषि केडिया, बताओ बेटे कौन सी क्लास में तुम? नाइन्थ। नाइन्थ में हो, क्या बनना क्या चाहिए आगे पढ़े करके? डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, कलेक्टर, जज सर। जज बनना है? यस सर। हाई कोर्ट जज कि सुप्रीम कोर्ट जज? हाई कोर्ट। कोई बात नहीं, हाईकोर्ट बनने वाला सुप्रीम कोर्ट ही बनता है। ओके सर। चलो अच्छा है, मेरी भावना अच्छी, अच्छी वकील बनो मैंने, ठीक है? फिर जुडिशी में जाओ और फिर जज बनो, अच्छी भावना, बड़े मन लगा पढ़ाई कर लो तुम फिर। ओके सर। सर सी ए। सी ए, ओ वेरी गुड, चार्टर्ड अकाउंटेंट? यस सर। अरे मन में क्यों आया तुम्हारे? सर इंटरेस्ट है मुझे अकाउंट्स में। ओह वेरी गुड, अकाउंट में रुचि बहुत कम लोगों की होती है, तेरी रुचि अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सर, तुम्हारा बहुत भविष्य उज्जवल हो, मेरी बहुत आशीर्वाद है, शुभकामनाएं, ठीक है? थैंक यू सर। गुड। श्रीमती प्रेम कुमार झाला। हेलो सर। हाँ जी प्रेम कुमार जी बताइए। सर मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ, आपका स्वास्थ्य कैसा है सर? धन्यवाद आपका, ठीक बोलूंगा मैं जल्दी। जी सर। आप तो सर मेरे साथ में। जी सर। सर आपको और समस्त अतिथिगण को और हमारे बीच पधारे हुए प्रीति शक्का और भावी साहुकम को मैं हाथ जोड़कर तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ सर। और सर ये चाहती हूँ मैं कि मुझे पेंशन राशि जो 750 रुपए मिल रही थी वो बढ़कर 1000 रुपए आ रही है। वो बेटे हैं ऋषिराज सिंह झाला, अनंतराज सिंह झाला, दोनों का पालनहार 1000-1000 रुपए का वो बढ़कर 1500-1500 हो गया है। और अभी मुझे रामनवमी के दिन स्कूटी का लाभ भी मिला है, उसमें हमारे प्रीति शक्कावत भावी साहुकम का भी योगदान रहा है। और आपने जो राहत शिविर चलाए हैं उस शिविर के बीच में भी मुझे 4 कार्ड बने हैं, उसके लिए आम जनता को बहुत राहत मिली है और मेरी पेंशन राशि भी बढ़कर 1000 हो गई है, बच्चों का पालनहार भी 1000 बढ़कर 1500 हो गया है। सर मैं इसी चाहती हूँ कि आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे, सभी जनता को ऐसे ही लाभ पहुँचता रहे। और आपका जी सर, बच्चे क्या बनना चाहते हैं मालूम किया आपने? जी सर। सर मेरा वाला बेटा ने 12th में साइंस पास की है, इससे बात करो। बेटे को बात करो, क्या नाम है सर? ऋषिराज सिंह झाला सर।
हाँ बताओ ज्यादा अनंत सर बताओ भाई क्या बना बेटा। मैं अभी 12th साइंस बायो से 12th पास किया और अब मैं BSc नर्सिंग करना चाहता हूँ। अच्छा नर्सिंग करना चाहते हो? नर्सिंग ऑफिसर बनना सर। नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हो? यस सर। डॉक्टर नहीं? डॉक्टर चलो पापा डॉक्टर बनना चाहता हूँ सर, पर पहले मेरा अभी प्राइवेट के लिए सरकारी कॉलेज के लिए कर रहा, पर मेरे जनरल कैटेगरी वाली वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा, बार बार रिजेक्ट हो रहा हूँ। चलो अटेम्प्ट करो आगे, मेरी शुभकामनाएं, हो सकता है कि अगली बार नंबर आ जाए आपका। और कौन आपके हाथ में? मनु कुमार ऋतुराज। हाँ बेटे बताओ तुम क्या पढ़ते हो? 9th। अच्छा ही बताओ तुम इंग्लिश में पढ़ते हो या दूसरी पढ़ते हो? इंग्लिश। ओह वेरी गुड। महात्मा गांधी वाले में या प्राइवेट में? प्राइवेट में। प्राइवेट कितनी फीस लगती है सर? 4000। 4000। अभी हमने स्कूल खोली है महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल वाले, मालूम है तुम्हें? यस सर। वहाँ फ्री पढ़ाई होती है। तुम अपने दोस्तों को कहना जो एफोर्ड नहीं कर सकते ना वो उनको वहाँ भेज दो महात्मा गांधी। नमस्ते सर। हाँ बेटे बता लक्ष्मी ने क्या नाम तेरा? हर्षिका। हर्षिका नाम है तेरा? कौन क्या करती हो? फिफ्थ में। फिफ्थ में तुम क्या करना चाहोगे बड़ी होके? IPS ऑफिसर। IPS। अरे वाह सब खुश हो रहे हैं बात सुन करके। तो तुम मेरा पढ़ाई करोगे तो IPS जरूर बनोगे। तेरी मम्मी भी आ गई है, बड़ी अच्छी जानी दीदी, कोई तकलीफ तो नहीं घर में? आप जाने का पूरी कर नमस्ते सर। नमस्कार बताइए पूरा ध्यान रख रही हूँ? पूरा। हाँ पूरा ध्यान रख रही हूँ। लाइफ भी बना रहती है? हाँ वो अभी तो बोल रही है ऐसे तो टेंशन में रहती है, इसलिए बच्ची है छोटी है इसलिए कोई टेंशन क्यों रहती है? क्या पता है क्या क्या किसकी टेंशन करती है? आज के बाद टेंशन नहीं रहेगी ठीक है? आज के बाद में तुम टेंशन नहीं रहोगी ठीक है? टेंशन तो तुम मुझे फोन करना चाहिए, टेलीफोन करना चाहिए, मैं खुद तुम्हें बात कर लूंगा ठीक है? जब टेंशन आ जाए तो मुझसे बात करना टेलीफोन से, मैं एक टेंशन दूर कर दूंगा। बताओ पहले तो 500 रुपए मिलते थे बच्चों के, 1500 रुपए मिलने लगे। बहुत बढ़िया। और मेरे को 500 रुपए मिलते थे, 2000 रुपए मिलने लगे। आ गए खाते में मेरे। पहुंच गया? हाँ फोन पे मैसेज आ गया। बहुत बढ़िया। चलो आप ध्यान रखो इसका, अब जो इसका जो सपना है एचपी बनने का, तो एचपी बनने के लिए क्यों कर रखी है? ठीक है ओके। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। धन्यवाद।